हेलो। हाँ माया, कॉल किया था तुमने? हाँ, ये पूछने के लिए किया था कि तुम मेरे ऑफिस कब आ सकते हो। अरे तुम जब बुलाओगी तब आ जाऊंगा। आज दोपहर के बाद आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। आके मेरे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से पैसे ले लेना, तुम्हारे पैसे वहीं रख दूंगी। मैं क्या दिखा रही हूँ जो सिक्योरिटी गार्ड से पैसे ले जाऊंगा? अगर मेरे पैसे वापस करने हैं तो इज्जत से मेरे हाथ में वापस दो। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, रख लो अपने पास, मत लौटाओ। इसे ना मेरी लास्ट ट्रीट समझ लेना तुम। देखो, बरसों पहले वैसे भी मैंने तुम्हें अपने पैसों से कितना खिलाया पिलाया है, घुमाया फिराया है, तो एक बार और सही। और वैसे भी तुम तो मेरी जिंदगी में मुझे लूटने के लिए ही आई थी। जब मेरे पैसे खत्म हो गए तो मुझसे ब्रेकअप करके चली गई। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा, कोड़ू हेल। आप नहा लीजिए, मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने जा रही हूँ। ठीक है। जिग्नेश का फोन मेरे सामने आते ही ये इतना ज्यादा डर गए थे और फिर बाहर जाके उसे फोन किया। आखिर क्यों? आखिर जिग्नेश के साथ ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी थी जो मेरे सामने नहीं कर सकते थे? अब तो जिग्नेश ही बताएगा कि ये सीक्रेट क्या है। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मुझसे इतनी नफरत करती।
अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्य? तेरी शादी में इच्छा से